ज्यादातर हमने YouTube पे ही सीखा है। अच्छा, ये देखो, ये हम आपको दिखाते हैं YouTube वाले किसान। और वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज फिर हम आपको हिमाचल की वादियों में लेके जाएंगे। हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने हिमाचल में ये फार्म हाउस बनाया हुआ, तो काफ़ी दिनों से बोल रहा है कि यार मेरे फार्म हाउस पे चलना है। उसने वहाँ पे तकरीबन काफ़ी सारे फ्रूट्स के पेड़ लगा रखे हैं, जैसे सेब के पेड़ हैं और आड़ू पर्म्स और बहुत सारे पेड़ लगा रखे हैं। आज उसका भी फार्म हाउस देख के आते हैं और पहाड़ की आपको एक बार फिर से सैर करा के लेके आते हैं। देखते हैं कि वहाँ पे क्या क्या उन्होंने लगाया हुआ है और क्या क्या वहाँ पे और अपॉर्चुनिटी है और किस एरिया में है। वो बोल रहे हैं कि काफ़ी रूरल एरिया में उन्होंने फार्म हाउस बनाया है, उसका भी आपको टूर करा के लेके आते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं फिर से एक बार हिमाचल की तरफ। तो बस अभी वेट ही कर रहा हूँ उनकी आने की, क्योंकि उन्होंने बोला था कि यहाँ पे वो हमें मिलेंगे। पहुँच ही गए, ये आ गई है गाड़ी, हम आपको मिलवाते हैं संत रोड़ा जी से। हाँ जी संत जी, कैसे हो? बहुत बढ़िया। ये हमारे संत जी हैं और ये हमारे जयपाल जी। हाँ जी जयपाल जी, हाय बोलो हमारे सब्सक्राइबर को। अरे हेलो, शुरू हो गया तो आते ही। हाँ हाँ, और क्या। हेलो फ्रेंड्स, हम फिर से मोरनी वाले रूट पे आ गए हैं। लास्ट जो ब्लॉग हमने बनाया था मोरनी का ब्लॉग आपने देखा ही होगा, अगर नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वही रोड जो मोरनी वाला, बस हम निकल पड़े, बातचीत करते हैं अपने दोस्तों से। जयपाल जी, कौन सा चैनल है आपका? बोलो जयपाल जी, @JKNewsViews। उन्होंने रिटायरमेंट के बाद अपना टाइम पास करने के लिए ये चैनल शुरू कर लिया है कि ठीक है, इंजॉयमेंट, रिटायरमेंट लाइफ, और अगर कल को कुछ हो गया तो उसका अर्निंग भी। हमने सोचा था कि भी तीन तरह के एप्पल होते हैं जो वो एरिया में लग जाते हैं, मतलब 45 डिग्री टेम्परेचर में भी लग जाता है। लोग पहले विश्वास नहीं कर रहे थे, फिर हमने रिसर्च की, कई यूट्यूब चैनल वो देखा, तो इनको मीडिया को एक हरिमन 99। अच्छा, बाकी हम आपको वहाँ जब पहुँचेंगे तो उसके बारे में आप दिखाएंगे, वही बात करेंगे, ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपको दिखाते हुए। बिल्कुल बिल्कुल, आप वहाँ संत रोड़ा जी बताएंगे आगे। वहाँ पहुँच के हम वहाँ से लाइव देखेंगे कि लाइव ये, क्योंकि सेब कहा जाता है कि ठंडे एरिया में ही होता है, जहाँ बर्फ़ पड़ती है वहीं सेब होता है। बट ये भी चलो हिमाचल है और ठंडा भी हो गई, तो देखते हैं वहाँ क्या क्या सिस्टम है। ठंडा नहीं है इतना, मतलब 3200-3300 फुट हाइट पे है वो। चलो हिमाचल है, हिमाचल में सेब है, तो देख ही सकते हैं कि वो हम पंचकुला में लगा देंगे, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, इन्होंने रिसर्च कर की है कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। चलो वो भी देखते हैं जाके कि किस तरह से क्या क्या लगा रखा है इन्होंने। संत जी, आप थोड़ा सा गाइड करें कि कहाँ कहाँ से आप पौधे लेके आए हैं और क्या क्या आपने स्ट्रगल किया है इन पौधों को लगाने के लिए। स्टार्टिंग में यूट्यूब पे चेक करते रहे, चेक करते करते हमें एक हरमन शर्मा है वहाँ पे, हरिमन शर्मा बिलासपुर घुमारमी में। अच्छा, तो हम उनके पास पहुँचे, उनसे पहले फ़ोन पे बात करी, हिमाचल में पौधे बुक कराए, फिर मैं और जयपाल जी वहाँ गए, वहाँ से हम 100 पौधे लेके आए। अच्छा, तो आगे लगाए और हमारा यानी कि लगभग सारे ठीक ही चले हैं, 2-4 पौधे तो कुछ खराब हो ही जाते हैं। तो कितना खर्चा कितना आता है इनमें, जो पौधे क्या रेट में लेते हैं? पौधा 80 रुपये का देते हैं जी वो। अच्छा। जो कलम देते हैं, कलम। ठीक है, वो जैसे उसके ऊपर कोई पत्ता नहीं होता, नीचे कोई उसके मिट्टी नहीं होती। अच्छा, किसी चीज़ में लगा नहीं होता, बस ऐसी टहनियाँ सी दे देते हैं वो। ठीक है, तो वो आगे हमने फिर यहाँ लगाई, हमने लास्ट 14 फरवरी 2021 में। 14 फरवरी को यार बहुत अच्छे से किया आपने, मेरा बर्थडे होता है और उससे अगले दिन मेरा बर्थडे होता है। अच्छा, 15 फरवरी को मेरा होता है, बस फिर तो इकट्ठा ही हो गया सिस्टम। तो हमने लास्ट वो लगाए और पौधे लेके आए थे, वो मेरी बेटी के बर्थडे वाले दिन लाए थे। अरे मतलब 21 जनवरी को लेके आए थे, जयपाल जी की बेटी का बर्थडे था, मतलब सारे काम बर्थडे पे किए। हाँ, इसके बाद हमने ये पोंटा साहब के पास धोला कुआ नर्सरी है सरकारी। अच्छा, फिर हमने वहाँ से मंगाए थे, वहाँ से हमने अन्ना के मंगाए थे और साथ में डोरसेट गोल्डन मंगाए थे। ठीक है, वो लगाए हैं, वो भी तकरीबन सारे ठीक चले हैं। तो अभी कुछ फ्रूट निकला है? हाँ, फ्रूट लगा है, अभी हम पहुँच रहे हैं वहाँ, आपको फ्रूट दिखाएंगे। ये हमारा मोरनी रोड जा रहा है, सीधे हम मोरनी जा रहे थे और
अभी यहाँ से 3 किलोमीटर पहले, मोरनी से 3 किलोमीटर पहले ये रोड मुड़ता है हमारा, बट ये नीचे गया सराहा दमेशा बड़ीशेर चाकला, ऊपर चला गया मोरनी बड़ियाल और नीचे चला गया ये हमारा बड़ीशेर वाला रास्ता है। ये देखिए डाउन जाना शुरू हो गया, अभी हम आपको आगे लेके चलते हैं जहाँ पे सराहा हमने फार्म हाउस पे जाना है। ये देखिए ये डाउन, कई बार मैं सोचता था कि इस रोड पे जाके आता हूँ यार, यहाँ है क्या, पर कभी मौका बना नहीं, तो आज बाई चांस ये मौका बन गया। बहुत बार मैं मोड़ नहीं आता था तो ये सोचता था यार रोड नीचे कहाँ जाता है, एक क्यूरियोसिटी थी दिमाग में कि जाता कहाँ है, देखना चाहिए, पर कभी सोचा ही नहीं कि जाना है। फिर ये लगता था कि नहीं यार मोरनी घूम के फिर वापस चलते हैं। ये देखो दोस्तों यहाँ मोरनी में भी एक से एक होटल बन रहे हैं। ये देखिए, ये देखो बंदे एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर ये रखा हुआ, और उस साइड जहाज एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स का। अरे क्या बात है यहाँ लोग, ये देखो जहाज की पंखड़ी दिख रही है ना, ये एक ऊपर जहाज भी रखा हुआ है, ये होटल लोग बना रहे हैं पूरा कॉन्सेप्ट लेके, अलग सा कॉन्सेप्ट लेके। ये देखो ये जहाज की पंखड़ी है, आपको अगर मौका मिला तो रास्ते में आते हुए दिखाएंगे, ड्रोन का शॉट एक दिखाएंगे कि ऊपर से जहाज भी दिखेगा और ये पूरा होटल भी दिखेगा। और ये देखो, और ये देखो ये पूरी बात है, ये देखो वो जो पिछले वाले पहाड़ है वो हिमाचल के, ये जो हरे दिख रहे हैं ये हरियाणा के। चलो जी यहाँ रास्ते में रुके हम, आम का पेड़ है यहाँ पे बहुत बड़ा है, यहाँ अंबिया गिरी हुई है, रात को बारिश हुई है और आंधी तूफान था, तो ये देखो ये अंबिया चुगने का तरीका चल रहा है। ये आज सब्जी बनाएंगे अंबियों की, अंबियों की चटनी बनाएंगे, चटनी। ये देखो ये क्या बात है, चटनी बनेगी शाम को। हाँ जी कब लेके गए थे पहले? लास्ट टाइम जो लेके गए थे उसकी चटनी बनाई हुई है खट्टी मीठी, और आज लेके बहुत टेस्टी बनती है, बहुत ज्यादा। जयपाल ने खाई है पिछली बार, पूछा अभी लेके आयो नहीं लेके आयो? हाँ लेके आया हूँ। अच्छा आज लेके आये, उसका भी टेस्ट करेंगे आज, उसका भी टेस्ट करेंगे। ये देखो जयपाल जी तो पूरे किसान बने हुए हैं भाई, इस बार कम गिरी है, पिछली बार बहुत ज्यादा थी। अच्छा कितनी अंबियां लेके थे? इतनी अंबी मेरे पास, इतनी इसके पास। अच्छा 4 किलो होगी कम से कम। तो 4 डाला क्या किया? अभी तो संडे को लेके गए। अच्छा अभी कुछ ही किया, अभी तो करेंगे। ये देखो काट पीट के करेगा चार, और उसकी चटनी बहुत अच्छी बनती है, और यहाँ सारा ऑर्गेनिक है। चलो जी अभी बस चलते हैं आगे अपने गंतव्य की तरफ। हाँ ये देखो जयपाल जी अंबियों के लिए स्पेशल थैला भी लेके आए थे। हाँ जब हम छोटे थे स्कूल में पढ़ते थे तो जैसे ही बारिश आनी है तूफान आना, हमने क्या करना, सुबह उठना फटाफट सवेरे सबसे पहले उठना है और साइकिल उठानी और आम के बागों की तरफ भागना और वहाँ से पूरा अंबियाँ उठा के पूरी अंबियाँ इकट्ठी करके घर लेके आनी, घर आके सब्जी बनानी, चटनी बनानी और अचार बनाना, घर वाले भी खुश होते थे कि फ्री में अंबियाँ मिल गई। हेलो कहीं भी मिल जाएंगे यहाँ जंगल में। ये गो है, गो देखिए रोड क्रॉस कर रही है, गो इज गोइंग, और ये देखो गो जा रही है। नो ज्यादा कुछ नहीं खास। देखिए यहाँ से अभी हरियाणा और हिमाचल का बॉर्डर आ गया है बस। ये देखो अभी तक सड़क कितनी अच्छी थी और ये बस हम हिमाचल में एंटर करने वाले हैं, और आपको दिख ही रहा होगा सड़क के हाल, ये क्या बात है, और छोटी सी सड़क है। अब हम बस हिमाचल में एंट्री करने लगे हैं। चलो और हिमाचल में आ गया है, ये आ गया, धन्यवाद लिखा हुआ है हरियाणा का, धन्यवाद। ये हिमाचल शुरू हो गया, ये लगा, ये बोर्ड लगा हुआ है हिमाचल, यहाँ से स्टार्ट है पंचकूला 44 किलोमीटर यहाँ से। और ये देखिए पीछे पोली हाउस कितने बने हुए हैं, ये देखिए क्या बात है, लोगों ने तो बहुत जगह खरीद के यहाँ पोली हाउस ही बना रखे। यहाँ पे जो ये पोली हाउस बने हुए हैं, हाँ जी, इसमें एक साल का कम से कम 1.5-2 करोड़ रुपए का तो सिर्फ गुलाब का फूल बिकता है। अच्छा है। उसके अलावा इसमें पीले रंग की वो जो शिमला मिर्च आती है, लाल रंग की आती है, खीरा आता है जिसे जापानी खीरा बोलते हैं, यानी कि वो सारा इस पोली हाउस में लगा रखा है और लाखों रुपए की कमाई है उसमें। ये ऑफ सीजन में बेचते हैं, ये ऑफ सीजन में तैयार करते हैं सारी सब्जियाँ। हालात देखिए कैसे, 1 किलोमीटर तक खराब है। ये पूरी सड़क आपको ऑफ रोडिंग की याद दिलाती है, ये देखिए पूरे खड्डे पत्थर, 1 किलोमीटर तक ये पूरा आपको ऐसे ही रोड मिलेगा। ये यहाँ नहान जा रहा है, ये आगे रोड हम मिल गए, चंडी मंदिर और नहान वाला रोड है ये ना। हाँ, चंडी मंदिर नहान रोड है, थापली से होते हुए जो नहान जो रोड जा रही है नहान, उस पे हम लोग आराम।
है ऊपर, वो ऊपर देख लो, देख लीजिए जो टॉप पे जो पहाड़ी है वहाँ पे शिव जी का मंदिर है, वो भी आपको एक ब्लॉग बनाएंगे, बहुत ज़्यादा महानता है उसकी भी, उसके बारे में भी हम नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बताएंगे, नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट जब भी मौका मिलेगा, अभी तो हम आज तो इसका करेंगे। ये एरिया इनका पूरा ये है फार्म हाउस, ये देखो एक दरवाजा, यहाँ खाली दरवाजा भी खड़ा है। अच्छा पूरा एक कमरा भी बना रखा है इन्होंने, यहाँ शायद झूठ डाल के एक कमरा भी बना हुआ है, पानी की टंकी है, ये वाटर टैंक, ये चेंज कर रही है लेबर आगे सबसे पहले, हाँ ये कपड़े चेंज कर रही है पहले, फुल बाजू का पहन के करना चाहिए काम, हाँ क्योंकि कंडे कुंडे बहुत होते हैं, बाद पसाने से अच्छा है कि फुल बाजू वाला पहन लो, हाँ सेफ्टी फर्स्ट, और कंडे क्या होता है कितने जहरीले हैं किसको क्या पता, हाँ पहाड़ों के कंडे हैं किस तरह के कांटे हैं, अरे ये भी सोलर लाइट, अच्छा ऑटोमेटिक, अच्छा अच्छा ये सोलर लाइट है, सेंसर लगा हुआ है, सारे जुगाड़ रखे हैं, हाँ जी। अब आगे हैं इनके फार्म हाउस पे और दिखाते हैं आपको यहाँ क्या क्या चीजें हैं और इनसे बात करते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे इन्होंने लगाया हुआ और सारी चीजें डिटेल में एक बार पूछते हैं। ये जयपाल जी दिखा रहे हैं सेब, ये देखो जी क्या बढ़िया सेब लगे हुए, ये देखो लाल भी हो गए यार, ये तो उधर दिखा दो, ये ऊपर हरे, इधर बंद करियो जी, ये देखिए इन्होंने यहाँ पे ये जाली लगा रखी है सेब के पेड़ों पे, जिससे कि जानवर या जो पक्षी हैं वो सेब को ना खाए, देखिए ये देखिए क्या बढ़िया सेब है, कौन सा सेब है संत जी? ये हरिमन 99 है। अच्छा जी, और ये जाली इसलिए लगाई है, एक तो आंधियां चलती हैं इधर पहाड़ पे, उससे पेड़ हिलता है जोर से और फल झड़ जाता है, नंबर दो एक फल मक्खी आती है सफेद रंग की, अच्छा वो फलों में छेद कर देती है, वो जाली लगी हो वो नहीं आएगी, तो उसके बाद बहुत तेज बरसात हो या ओले पड़ते हैं वो सेब के ऊपर गिरते हैं तो सेब खराब हो जाता है, उससे भी बचाव हो जाता है। कल बारिश हुई है और आंधी तूफान भी आया है तो शायद कुछ फल इनका गिरा है, ये देखिए हम देखते हैं, ये देखिए बड़े बड़े सेब गिरे हैं, कितने अरे ये लगे हुए जयपाल जी बाल्टी में सेब डालने के लिए, ये देखिए पूरा पेड़, ये आपको दिखा दें कि ये यहाँ गर्मी है फिर भी ये देखिए यहाँ सेब हुआ है, भर लिया झोली और ये झोली भर के लगे हैं बाल्टी में डालने लगे हैं, देखो ये देखो बाल्टी आज तो पूरी है, हमारी मेहनत कैसे गिर रही नीचे, हाँ ये कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम ना, नेक्स्ट टाइम हम और प्रोटेक्शन करेंगे, ज्यादा से कम गिरे, ड्रॉपिंग कम हो, मतलब जितने सेब लगे नहीं उससे ज्यादा गिर गए हमारे, हाँ बिल्कुल सही बात है, चलो तो कोई बात नहीं, ऐसे सीखता बंदा, हाँ देख देख के सीख रहे हम, बिल्कुल बहुत सारे गिरे हुए आज तो, देखो जहाँ नेट है ना वहाँ बचा हुआ है, हाँ जहाँ नेट नहीं है वहाँ ज्यादा गिरे, हाँ लगाना, हाँ बिल्कुल, ये देखो जी संत जी कहाँ लेके जा रहे हैं, ये देखो ये पेड़ है, ये पेड़ है इसमें लगभग लाल हो चुके हैं, सभी लाल हो चुके हैं, हाँ ये देखो ये बहुत तो बहुत बढ़िया है, देखो ना ये देखो सारे देखो लाल है, ये देखो लाल है पूरा पेड़, ये लाल सेबों से लगा हुआ है, देखो इधर है फल मक्खी बोलते हैं उसे, वो ऐसे छेद कर देती है, ये फ्रूट को खराब कर देती है सारा, ये यहाँ पे ज़्यादा पहाड़ी एरिया नहीं है फिर भी ये देखो इन्होंने यहाँ सेब उगा रखे हैं, ये देखो जी ये
इसको बोलते हैं बम्बी। माना जाता है कि जो सांप होते हैं वो अपना घर यहाँ बनाते हैं। देखो डिज़ाइन देखो इसका, क्या जबरदस्त डिज़ाइन बने हुए हैं। इसके अंदर कहीं रहते हैं सांप। एक्यूरेट अल्टीमीटर। अच्छा, इससे क्या करेंगे? ये देखो तो दबाया इसको, अब इसको ऊपर उधर दिखा दो ऊपर। अच्छा, ये दो तीन मिनट दो तीन कुछ सेकंड है। हाँ, ये दिखा देगा इसकी हाइट कितनी है, पहाड़ी की हाइट। हाँ, कितनी हाइट पे खड़े हम? अच्छा, ये देखो ये आ गया 3195 फीट पे खड़े हम। 3195 फीट, 3200 फुट पे खड़े हैं। ये पत्थरों का घर देखो, यहाँ लोकल लोकल पत्थर निकले और इनसे ही घर बना लिया। देखो अपनी जमीन में, अपनी जमीन से पत्थर निकाले और ये देखो क्या बढ़िया, क्या सुंदर घर। और आपको लगेगा कि पूरा पहाड़ की फीलिंग। ये लो, ये खुल गया दरवाजा और ये देखो नीचे फर्श की तैयारी है। और ये ड्राइंग रूम है, ये ड्राइंग रूम है और अच्छा, और ये हमारा अटैच लैट्रिन बाथरूम। अच्छा, टॉयलेट भी है। हाँ, आउटडोर ओपन है अभी, ओपन है अभी, यहाँ बनना है आउटडोर। हाँ, खुलने जा रहे हैं बेडरूम। पहले दिखाया हमने ड्राइंग रूम, ड्राइंग डाइनिंग, और ये संत जी ने खोल दिया है बेडरूम। पूरा होगा अभी, ये देखो जी, बस अभी काम चल रहा है। अगली बारी जब हम आएंगे यहाँ तो बेड वेड लगा होगा और रात को यहीं रह के जाएंगे। बिल्कुल, ठीक है ना, पूरे गांव की फीलिंग, पूरी फीलिंग लेके जाएंगे। क्या ये ब्रह्म, ये ब्रह्म बूटी, इसको कहते हैं सुबह अगर 4-5 पत्ते खा लो ना आप, मेमोरी बढ़ जाएगी आपकी। अच्छा, ताजे तोड़ के भूलेंगे आप नहीं उठती। हाँ, तो मेमोरी साफ कर देती है, याददाश्त वापिस। ये देखो मैं तोड़ के खाता हूँ आपको, ऐसे होती है। अच्छा, ताजे पत्ते तोड़ के खाने। हाँ, ताजे। यार सारी जड़ी बूटियाँ जयपाल जी घर लेके जाएंगे। हाँ देखो, ब्रह्म बूटी ले गए, कड़ी पत्ता ले गए। हाँ, कड़ी पत्ता इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, तो खाली पेट खा लो उसकी 2 टहनियाँ। अच्छा, और मैं ऐसे ही पाकू 60 साल में देखो अपा पूरी ट्रैकिंग कर लेते हैं। हाँ, ये सब जड़ी बूटियों का माल है। अच्छा, आप खाते रहे हो? हाँ, कड़ी पत्ता तो खाता हूँ मैं। अच्छा, रोज? हाँ, कैसे? खाली पेट जैसे है ना, 2 टहनियाँ। हाँ, 2 टहनियाँ से कर दो। हाँ, और खा लो कड़ी पत्ता, ऊपर से पानी पी लो। अच्छा, सवेरे खाली पेट? खाली पेट। और अच्छा लो जी, एक और नया नुस्खा आपको बता दें। कड़ी पत्ता तो ऑलमोस्ट होता ही है और आसपास घरों के, सिर्फ 2 टहनियाँ तोड़ो सुबह, धो और खाली पेट खाओ और पानी पी लो, उससे आपका इम्यून सिस्टम भी ठीक रहेगा। ये अभी जानकारी आज हमें जयपाल जी ने दी है। ये निकाले इन्होंने बड़े दो, और ये अब संत जी बैठ गए वेट करने में। लाला जी, लाला जी बैठ गए। लाला जी कितने ग्राम का? 176 ग्राम का है जी। 176 ग्राम का एक सेब निकला है, दूसरा भी करो। और ये 175 ऑलमोस्ट सेम साइज है इनको, और सेम ही 200 ग्राम थोड़ा बहुत प्लस होता है बस। ये लो जी, ये लग गया खाना, और बस अभी ये पूरी फीलिंग खेतों वाली फीलिंग, पिकनिक स्पॉट बन गया। खाने की टेबल लग गई है, बस अभी खाना शुरू करने लगे हैं। लो जी, अब जा रहे हैं पानी की तरफ, पानी कैसे चलता है वो दिखाएंगे, नीचे से पानी ऊपर कैसे पहुंचाते हैं। ये मोटी पाइप कैसी है? किसी ना। अच्छा, ये किसी ने डाली हुई है? हाँ। अच्छा, पहाड़ के पीछे गई हुई है। अच्छा, यहाँ से पानी जाता है। तो ये देखो, ये ऊपर से जो बरसाती पानी आता है उसमें पाइप डाली हुई है। हाँ, ये नदी है ना। हाँ, ये पानी नीचे चल रहा है। अच्छा, इसके अंदर से चल रहा है पानी? अभी नीचे चल रहा है, अभी गर्मी है ना। हाँ, तो ये जितने हम देखा था दो फोटो में, लग रहे इसी ऊपर से पानी निकल रहा था। अच्छा, अगस्त सितंबर में। ठीक है, ठीक। तो पानी कम होता तो नीचे चल जाता है। हाँ, तो अपने जोड़ सेट कर रहे हैं, ये कहाँ कहाँ जोड़ खुला हुआ है ये देखो। ये क्या अपना है? आना होता है, इसमें आ जाएगा। अच्छा, ये ना देखो, आ रहा ना, ये गंदा पानी आ रहा है। हाँ, इसमें कुछ फंस गया होगा। हाँ, बरसातों में यहाँ से ना पूरा पानी चलता है। ये देखो कैसे डाल रहे हैं, अब वहाँ तक पहुँचेगा तभी ये यहाँ से पानी उठाना शुरू कर देगा। जब यहाँ तक भर जाएगा फिर ये पानी उठाएगा। तो वहाँ से तो खुला है पाइप? कोई नहीं, हवा वहाँ तक तो नहीं, बड़ा टाइम लगा रहा है। हाँ, तो इसको तब तक इसमें डाल देंगे ना पानी के अंदर। हाँ, लो जी फाइनली एक जंग फतह कर ली, पानी आना शुरू हो गया।
ये आ गया यहाँ, पहुंच गया पानी बहुत मुशक्कत के बाद। ये संत जी एंजॉय कर रहे हैं पूरा पानी का, दोबारा लगाएंगे। चढ़ के किसान ऊपर, यूट्यूब वाले किसान, चलो जी यूट्यूब वाले किसान चढ़ा दो ऊपर। हेलो जी, कहते हैं कि अगर मेहनत करो तो उसका फल तो मिल ही जाता है। ये देखिए, ये लोग, इन्होंने सोचा था कि यहाँ हम कोशिश करेंगे पेड़ लगाने की सेब के, और सेब हो सकता हो भी जाए, और लोगों ने इन्हों को बहुत बोला कि नहीं यहाँ ये प्लेन एरिया है, यहाँ पे सेब नहीं होगा, बट फिर भी इन्होंने इनिशिएटिव लिया, R&D की, यूट्यूब से सीखा और लोगों से बातचीत की। तो आज देखो 3 साल की मेहनत के बाद इनके पेड़ों पे पूरे फल लगे हुए हैं और ये खुश हैं, बहुत खुश हैं। इन्होंने इतना खर्चा किया, इसका कोई इनको मलाल नहीं है कि हमने इतना खर्चा किया, और ये देखिए पूरे पेड़ ये लदे पड़े हैं सेबों से। और इनका कहना है कि हमें तो ये लगता है कि हमने जो मेहनत किया उसका फल हमें मिल गया। फल वाकई ये लाल रंग का फल सेब इनको जो यहाँ इन्होंने उगाए थे उनके पेड़ों पे ये सेब लगे, तो ये फल इनको मिल गया। तो आज का ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं, और उसके बाद हम आपको मिलेंगे अगले ब्लॉग में। और अच्छी अच्छी जगह, अच्छी अच्छी जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। और अगर आपने दोस्तों हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें। और अगर हमारे चैनल पर कुछ आपको लगता है कि कुछ हमने गलत कोई जानकारी दी है तो उसके बारे में भी हमें कॉमेंट्स में लिखें, और अच्छी जानकारी दी है तो उसके बारे में भी हमें कॉमेंट्स में लिखें। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, हैव ए ग्रेट डे।